शनिवार को अग्रवाल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर एयरपोर्ट रोड हरौआ में स्थित नेक्सा शोरूम में आईपीएस संतोष कुमार सिंह के द्वारा नई गाड़ी जिम्नी की लॉन्चिंग हुई। इस अवसर पर एजीआर के सीईओ राजीव गुप्ता ने बताया कि ये जिम्नी 1.5 पेट्रोल वर्जन की लॉन्चिंग की गई है। 5 स्पीड मैनुअल व 4 एटी स्पीड ऑटोमेटिक के साथ 6 रंगों में यह उपलब्ध होगी। कार में 6 एयरबैग, ओबीएस रिवर्स पार्किंग सेंसर को सभी वेरिएंट में स्टैंड रखा गया है। इस संपूर्ण कार्यक्रम को केक काटकर मनाया गया। इस दौरान कंपनी के जीएम विपिन राय, टीडीएम अविनाश पाल, क्यूसीएम शोएब अख्तर आदि लोग उपस्थित थे। मारुति की जिम्नी एक नए मॉडल की गाड़ी मार्केट में आज लॉन्च हुई है और राजीव जी के नेतृत्व में यहाँ पे आज इसकी पहली बुकिंग की जा रही है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं क्रेताओं के लिए और एजेंसी मालिक के लिए, ये सबके लिए मंगलकारी हो। की परफॉर्मेंस ये है कि मारुति का जो हमेशा यूएसपी रहा है कि लो कॉस्ट मेंटेनेंस, और मारुति गाड़ियाँ पे सर्विस का कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा सर्विस नेटवर्क है, और जो नई गाड़ियाँ आई हैं उनको कहीं ना कहीं मेंटेनेंस हाई या सर्विस नेटवर्क ना होने की वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। प्लस मारुति ने इसको बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में लॉन्च किया है। क्या प्राइस? इसकी प्राइस स्टार्टिंग 12 लाख से वेटेड ये मानी जाती थी 2020 में ही इसका आने का था। जी जी। उस वक्त चेंजिंग इसमें क्या किया कि किस चेंज के बाद इसको लाया गया? इसमें काफ़ी चेंजेस किए मारुति ने, इंडियन मार्केट के हिसाब से देखते हुए मारुति ने इसको फिर से रीडिज़ाइन किया। ऑलरेडी ये हर जगह मतलब वर्ल्ड वाइड लॉन्च थी, यहाँ पे इसमें डोर्स बढ़ाए मारुति ने, क्योंकि यहाँ परिवार का बात आता था बड़े शहरों में और दूसरे शहरों में, वहाँ पर डबल डोर भी चलती थी, मगर यहाँ 5 डोर पहली बार लॉन्च किया मारुति ने।